गुड आफ्टरनून हमारे सारे प्यारे बच्चों, आज 11th का अकाउंटेंसी में जो सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। हम लोग बेटा पढ़ चुके, आप लोग पराजय हो, कुछ अकाउंटिंग में थ्योरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनना शुरू हो। आज हम अकाउंटेंसी का थ्योरी की बात कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी को हम दो पार्ट में डिस्क्राइब किए। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है, आज की टॉपिक है बेटा, व्हाट इज अकाउंटेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आज हम व्हाट इज अकाउंटेंसी, क्यों जरूरी है अकाउंटेंसी की, क्या व्हाई। तो आप जो बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी भी चाहत होगी बेटा कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी रिजल्ट के बारे में एक पार्टिकुलर पीरियड में हम ये जजमेंट करेंगे बेटा जी कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ। हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में हमने उस पार्टिकुलर पीरियड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया एज अ कैपिटल, वो बिजनेस में लायबिलिटीज क्या है, असेट्स क्या है एक पार्टिकुलर पीरियड में, हमने उस बिजनेस में पार्टिकुलर कितने क्या एक्सपेंसेस किया और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है। मतलब आइए एक बार स्क्रीन पे जरा देखेंगे हम लोग। एक बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस के बारे में क्या क्या कैलकुलेशंस, क्या क्या सोचता है। तो एक पार्टिकुलर पीरियड में फर्स्ट नंबर, हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न। सेकंड, हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड इन इट, कितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में। व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस में टोटल लायबिलिटीज क्या। व्हाट आर द असेट्स ऑफ हिज बिजनेस, आपके बिजनेस में असेट्स क्या। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन अ ईयर, क्या खर्च एक अकाउंटिंग ईयर में कितना पैसा खर्च कियो। व्हाट इज दिस हिज फाइनेंशियल पोजिशन, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ये सारी चीज को जानने के लिए क्या कर रहा है नीचे, टू अटेंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन अकाउंटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सारे बात को जानने के लिए हमें अकाउंटेंसी को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी में क्या, द अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट्स टू द इंटरेस्टेड यूजर्स टू हेल्प देम मेक डिसीजंस। इसमें बहुत सारे पार्ट है बेटा, हर पार्ट को हम समझेंगे। पहला नंबर क्या है, आइडेंटिफाई, क्या करा है आइडेंटिफाइंग में बेटा, वेयर डिड बिजनेस स्पेंड इट, आप बिजनेस में कहां कहां पैसा इन्वेस्ट किए, किस किस पार्ट पर क्या क्या इन्वेस्टमेंट आपने किया। अब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब इन्वेस्टमेंट का मेजरिंग किया जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है तुम्हारे पास, मेजरिंग क्या है, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब आप जो स्पेंड किए, तो एक स्पेंड टाइम स्पेंड किए आप और एक मनी स्पेंड किए, या कुछ असेट्स स्पेंड किए, तो जिसकी मेजरमेंट मनी में की जाए वो से ही हम अकाउंटेंसी को में रिकॉर्ड करें। थर्ड नंबर रिकॉर्डिंग, अब ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रिकॉर्डिंग एंड मेक अकाउंट्स, इसके लिए अकाउंट बनाते हैं। फोर्थ नंबर कम्युनिकेटिंग, सर हम ये जो अकाउंट्स जो बनाते हैं, ये अकाउंट्स किसके किसके लिए कम्युनिकेट करता हूं, ये हमें मतलब हमारे बिजनेसमैन और अदर्स पार्टीज भी होते हैं। अब वो अदर पार्टी कौन कौन है, हम इसको आगे के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इवेंट वही है बेटा जो मेजरिंग था, क्या है, एक बार इकोनॉमिक इवेंट को अच्छा से पढ़ लीजिए। इवेंट विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सारा इवेंट बेटा जिस इवेंट में जो घटना घटा है उसकी वैल्यू किस चीज में लगाई जाए, मनी में लगाई जाए। नेक्स्ट पार्ट आपका है बेटा इंटरेस्टेड यूजर्स, बेटा वही है जो कम्युनिकेटिंग है, रीडिंग डालेंगे ऑनर्स एंड अदर पार्टीज।
तो इंटरेस्टेड हमारा बिजनेस में, जो हम अकाउंटेंसी जो मेंटेन करते हैं, जो हम अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं, अकाउंटेंसी मेंटेन करने के पीछे उसमें इंटरेस्टेड कौन कौन पार्टी है? एक पार्टी ऑनर और दूसरा अदर पार्टी। एंड लास्ट डिसीजन की बात आता, तो डिसीजन का करा क्या? अर्न्स इफ ही अर्न प्रॉफिट देन ही स्पेंड द बिजनेस एंड इफ ही लॉस देन ही क्लोज द बिजनेस। मतलब सर जी क्या हुआ? वो बिजनेस को स्पेंड तब ना करेगा, बिजनेस को कंटिन्यू तब ना रखेगा जब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपके बिजनेस में हो रहा है तो क्या आप बिजनेस कंटिन्यू करोगे? यस या नो? सर नो सर, हम बिजनेस को वाइंडिंग अप कर देंगे। तो ये सारा डिस्कशन कि जो अकाउंटेंसी की जो डिफिनेशन थी उसकी अकॉर्डिंगली की गई। क्या है फिर से एक बार अकाउंटेंसी का डिफिनेशन हम राइट अप करेंगे। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग कहा गया बेटा, आप बिजनेस में किस किस पोर्शन पर क्या क्या स्पेंड किए, क्या क्या खर्च किए। मेजरिंग, अब उस खर्च को टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करना। रिकॉर्डिंग, आप उस सारे इंफॉर्मेशन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, उसके लिए अकाउंट बनाना जरूरी है। कम्युनिकेटिंग, हम जो अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं वो कम्युनिकेट करता है ऑनर और अदर पार्टीज को। द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक यानी बिजनेस का वो इवेंट जिस इवेंट का हम मेजर मॉनिटर में की जाए उसको इकोनॉमिक इवेंट कहा गया। टू द इंटरेस्टेड यूजर्स, तो इंटरेस्टेड यूजर्स वही बेटा जो कम्युनिकेटिंग का है, यानी ऑनर्स और अदर पार्टीज, टू हेल्प देम मेक डिसीजंस। तो डिसीजन लेने का दो पार्ट, अगर बिजनेस प्रॉफिट में तो कंटिन्यू करेंगे, अगर बिजनेस लॉस में है तो डिसकंटिन्यू करेंगे। ये कहानी होगी अकाउंटेंसी की। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंट। बेटा जी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही फीचर्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रीब्यूट। आइए जरा ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट नंबर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस क्यों कहा गया, आर्ट क्यों कहा गया? अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। अकाउंटिंग बेटा पूरी की पूरी डिपेंडेड है बेटा प्रिंसिपल्स, और पूरी की पूरी डिपेंड है बेटा रूल्स पे। आप लोग में से कुछ बच्चे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स पढ़े हैं, जर्नल बनाना सीखे हैं, तो वहां पे हम अकाउंटेंसी का रूल्स एप्लीकेबल करते हैं, गोल्डन रूल पर्सनल रियल नॉर्मल के अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में बेटा। तो रूल्स और प्रिंसिपल्स इनके बेस के आधार पे ये पार्ट ऑफ साइंस। सर आर्ट क्या है? तो आर्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब सर जी नहीं समझ में आया बेटा, आप अकाउंट्स जो मेंटेन करते हो उसको क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई का मीनिंग क्या है अभी जस्ट पढ़ेंगे, और समराइज का मीनिंग क्या है वो भी अभी जस्ट पढ़ेंगे। तो अकाउंटेंसी में इसकी ऑब्जेक्ट्स। आइए नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स चलेंगे आपके। सेकंड नंबर, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हम करा है इस ट्रांजेक्शन से रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी वाली। वैसे सारे ट्रांजेक्शन जिस ट्रांजेक्शन का वैल्यू मनी में की जाए। हम यहाँ पे दो तरह की तस्वीरें जरा ध्यान से देखना। एक चेयर, एज्यूम करो कि हम 20 चेयर परचेज करके लाए जिसकी वैल्यू लगाएंगे, और लगाएंगे तो कितनी लगाएंगे 25,000। टेबल है, हमने 15 टेबल खरीद के लाए जिसकी वैल्यू 75,000, मतलब उसकी वैल्यू लगाएगी मनी में। तो क्या करा, रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम कोई भी वैसा ट्रांजेक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके नहीं रखेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे, जिसकी हम वैल्यूएशन मनी में नहीं कर रहे। नेक्स्ट फीचर्स में आ जाइए बेटा। थर्ड नंबर, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाली। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बेटा। क्या यहाँ दो तरह की आपका आपके पास, जरा ध्यान से देखना बेटा। एक है दो व्यक्ति लड़ रहे हैं आपस में, यानी आपके बिजनेस के दो इंप्लाई आपस में लड़ रहे हैं, फाइट बिटवीन इंप्लाई। तो प्रैक्टिकली सोचो बेटा कि आपके बिजनेस में दो इंप्लाई आपस में लड़ रहे हैं, तो आपके वर्क पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना? यस या नो? यस सर, पड़ेगा सर। तो क्या उसकी वैल्यू मनी में लगाओगे आप? इन टर्म्स ऑफ मनी होगा? नो सर। तो क्या उसके रिकॉर्ड होगा? क्या वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होगा? यस या नो? सर नो सर। नेक्स्ट क्या है बेटा, स्ट्राइक बाय इंप्लाई। अब आपके जो इंप्लाई है बिजनेस के, वो लोग किसी बात को लेकर स्ट्राइक पे चले, तो आपके काम स्टॉप हो गए, उसकी वो कोई आपकी वर्क गए, बट उनकी कोई मनी वैल्यू में नहीं लगा। तो क्या कर रहा है आपके पास,
अफेक्ट द बिजनेस बट नॉट मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी. ये बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है बट इसका मेजर्स मनी में नहीं किया जाएगा. द रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट फीचर्स बेटा, क्लासिफाई. इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. एक नेचर का कहानी एक जगह कलेक्ट करके रखेंगे. तो सबसे पहले हम जनरल और सब्सिडरी बुक्स में मेंटेन करते हैं बेटा. जनरल स्मॉल नेचर के बिजनेस में, सब्सिडरी बुक्स बड़े नेचर के बिजनेस में करते हैं. इसके बाद जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, इंडिविजुअली डे बाय डे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे लेकर हम लेजर पर जाते हैं. यानी लेजर सर क्या है? लेजर बेटा इंडिविजुअली जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उस ट्रांजेक्शंस को इंडिविजुअली हेड बाय हेड रिकॉर्ड करते हैं. इट मीन्स हम एक पार्टिकुलर पीरियड में कितने रुपए का गुड्स परचेज किया, कितने को गुड्स बेचा, किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है, किस व्यक्ति को कितना पैसा देना, मतलब इंडिविजुअली डाटा हेड बाय हेड रिकॉर्ड करना. तो क्या कर रहा है लेजर में? सेपरेट अकाउंट आर ओपेंड इन लेजर. एज एग्जाम्पल रबी अकाउंट, यानी रबी से एक पार्टिकुलर पीरियड में क्या क्या घटना घटा वो रबी के अकाउंट में सारा कलेक्ट किया गया. जब क्लासिफाइंग हो गए तो नेक्स्ट फीचर्स आ गया मेरा समराइजिंग. इट इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए अंडरस्टैंडेबल यूजफुल मैनर. मैनेजर की बात बेटा आपके क्लास लेजर से हम आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि लेजर में जो हेल्प ऑफ बैलेंस यानी बैलेंस ऑफ अकाउंट आएगा इंडिविजुअली, जो बैलेंस ऑफ अकाउंट इंडिविजुअली आएगा, बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट, बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट, बैलेंस ऑफ अजय अकाउंट, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट, बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट, उसके हेल्प से, बैलेंस ऑफ अकाउंट के हेल्प से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस. जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बेटा से हम प्रिपेयर करते हो बेटा अपने बिजनेस समराइज यानी बिजनेस के रिजल्ट को जानते हैं. और बिजनेस में दो रिजल्ट, एक इनकम है या लॉस और दूसरी बिजनेस की बैलेंस शीट क्या है. मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बनाते हो और एक बैलेंस शीट बनाते हो. ये दो चीज आप बनाते हो. अब आ जाइए नेक्स्ट फीचर्स पे जिसका नाम है इंटरप्रेशन ऑफ द रिजल्ट. इंटरप्रेशन, इंटरप्रेट करते हो सर. इंटरप्रेट क्या करते हैं सर? तो इंटरप्रेट करते हैं सर जी हम जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हो. अब ये बताओ इंटरप्रेट करना यानी कंपेयर करना, तो क्या कंपेयर तुम एक के बीच में कभी कर सकते हो? हाँ या ना? सर पॉसिबिलिटी नहीं है. कंपेयर करने के लिए हमेशा मिनिमम दो चाहिए. तो क्या वो मिनिमम अलग अलग पार्टी चाहिए? नहीं, एक ही नेचर का होना चाहिए. तो आपके बिजनेस में जो एवरीडे ट्रांजेक्शन हो रहे उसको रिकॉर्ड करके रख लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया, इनकम स्टेटमेंट बना लिया, तो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड को लेकर हम बेटा क्या करते हो? इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट को कि बिजनेस का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ग्रो कर रहा है कि रिजल्ट डाउन में जा रहा है. तो क्या कर रहा है क्वेश्चन? इंटरप्रेट ऑफ द रिजल्ट यानी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को इंटरप्रेट करते हैं बेटा हम लोग. तो ये किसको, कौन है इसके यूजर्स? ऑनर्स, मैनेजर्स, बैंक, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज. अब आइए बेटा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आइदर अकाउंटिंग साइकिल. हम लोग क्या कभी साइकिल चलाए हो आप लोग? यस सर. तो जहां से साइकिल की पेडल हम सोल्व करते हैं वहीं पर जाकर क्लोज होता है बेटा. ये कंटिन्यूटी रहती है ना बेटा जी. तो आइए सर यहाँ अकाउंटिंग क्या है सर, अकाउंटिंग साइकिल क्या है मैंने, आइए एक बार बोर्ड पर देखेंगे बेटा. ट्रांजेक्शन, एवरीडे ट्रांजेक्शन हम लोग करते हो, लेन देन करते हो. लेन देन का फर्स्ट बुक मेंटेन करते हो कौन सा? जर्नल. कौन सा? जर्नल. ठीक है, जर्नल मेंटेन करते हो. ट्रांजेक्शन तो बिजनेस में जो भी एवरीडे ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस ट्रांजेक्शन से फर्स्ट बुक हमने क्या मेंटेन किया बेटा? जर्नल सब्सिडरी बुक. सर जी ये जर्नल सब्सिडरी बुक का मीनिंग क्या है आप? बेटा जी जर्नल सब्सिडरी बुक आप देख रहे हो, स्मॉल बिजनेस बिग बिजनेस दो कैटेगरी का बिजनेस कहा गया. तो स्मॉल बिजनेस में जो फर्स्ट बुक रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल कहते हैं और बड़े बिजनेस में जो रिकॉर्ड होता है वो जर्नल और वेरियस सब्सिडरीज पार्टीज में होते हैं. तो सब्सिडी बुक्स यहाँ आठ है बेटा, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और जर्नल प्रॉपर. तो बिजनेस के डिपेंड और बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है बेटा, नेचर पर डिपेंड करता है कि हम सब्सिडी बुक जो मेंटेन कर रहे हैं क्या आठों का आठों मेंटेन करें या जो उनकी जरूरत है आवश्यकता अनुसार वो सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं.
सर सब्सिडरी बुक है क्या बेटा? ये जनरल का सब्सिट्यूट है बेटा, जो आगे हम लोग को डिटेल करना पड़ेगा। आइए अकाउंटिंग साइकिल पर चले। तो जब जनरल डे रिकॉर्ड कर लिया तो जनरल के बैलेंस को लेकर, जनरल के इंफॉर्मेशन को लेकर हेड बाय में इंडिविजुअली हमने लेजर बनाया। लेजर के बैलेंस पार्ट से बेटा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हमने जजमेंट किया कि बिजनेस में इनकम स्टेटस क्या है और बैलेंस शीट क्या है। अब जब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नजर आ गई, तब इसको इंटरप्रेट करते रिजल्ट, हमारे बिजनेस की पोजीशंस क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट, और देन आफ्टर फिर ट्रांजेक्शन पे चले आते हैं। ये कंटिन्यूटी रहती है, क्योंकि बिजनेस अब एक शॉर्ट टर्म के लिए तो करते नहीं, बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो जब तक हमारी बिजनेस है तब तक ये कंटिन्यूटी चलती रहे। नेक्स्ट आइए आप स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पर अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने फीचर्स पढ़ा, अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट नंबर, कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। आप बिजनेस के ट्रांजेक्शंस जो हैं उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा मेन ऑब्जेक्ट फीचर्स, एक सी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? आप बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं डे टू डे, उस सारे ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट रिकॉर्ड करके रखें। सर क्या जरूरी है? अगर तुम कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं रखोगे, अगर आधा अधूरा रिकॉर्ड रखोगे, फर्म है कि आपके बिजनेस में फ्रॉडबाजी होगी, घपला होगा बेटा। लेकिन सारे ट्रांजेक्शन को सही तरीके से मेंटेन करके रखेंगे तो क्या कभी हमारे बिजनेस में कभी कोई फॉल्ट होगा? क्या हमारे बिजनेस के इंप्लाई कोई चोरी कर पाएंगे, कोई फ्रॉड कर पाएंगे? सर नहीं। नेक्स्ट बेटा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बेटा जी हमारा अकाउंटेंसी मेंटेन करने का मेन ऑब्जेक्टिव, और कह सकते हो ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का ओपन करने का ही है, क्या हम बिजनेस को प्रॉफिट में करें? कभी लॉस के लिए हम बिजनेस सोचें कि लॉस में बिजनेस करेंगे? कभी नहीं सर। तो ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस का ये भी है कि हमारे बिजनेस प्रॉफिट में कि लॉस में, इसके लिए भी अकाउंटेंसी को मेंटेन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? थर्ड नंबर, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। वही बेटा, आपके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है, ये जानना है। फोर्थ नंबर, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेसमैन बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन जानता है, और बैलेंस शीट की हेल्प से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिक्टेट करता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। नेक्स्ट, टू एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर हम मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर का हमारे पास डाटा मेंटेन है, तो उसी से ना जजमेंट कर पाओगे कि ईयर बाय ईयर हमारी बिजनेस की ग्रो है, ऊपर बढ़ रही है कि डाउन हो रही है, ये इंटरप्रेट करेंगे। तो ये मेन ऑब्जेक्ट है अकाउंटेंसी को मेंटेन करने का। नेक्स्ट आपका है टू प्रिवेंट द डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। बेटा अभी जस्ट हमने बताया आपको कि अकाउंटेंसी में मेंटेन करने का एक रीजन, एक मेन ऑब्जेक्ट ये भी है कि हम फ्रॉड को रोक सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं, एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं कहां गलती हुई। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। हम जो अकाउंटेंसी मेंटेन करते हैं तो हमारे बिजनेस में और भी पार्टीज हैं, एक पार्टी तो बिजनेसमैन खुद है और अदर पार्टीज, वो भी आपके बिजनेस की अकाउंटेंसी को जज करते हैं कि आपके बिजनेस में क्या रिजल्ट है, बिजनेस ग्रो में जा रहा है कि बिजनेस लॉस में जा रहा है। अब आइए लास्ट पार्ट आज का बेटा, बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बेटा जी जहां बुक कीपिंग यानी कलेक्शन सेंटर, पहला काम बुक कीपिंग का होता है बेटा। बुक कीपिंग में डाटा मेंटेन करते हैं, उससे हम अकाउंटेंसी पे जाएंगे, और जहां अकाउंटिंग एंड होगा अकाउंटेंसी शुरू होगा। आइए इसके बारे में जरा डिटेलिंग देखेंगे बेटा। बुक कीपिंग जरा देख रहे हो आप ध्यान से, बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है, उसके बाद अकाउंटेंसी है। फर्स्ट बुक कीपिंग, सेकंड अकाउंटिंग, थर्ड अकाउंटेंसी। आइए बुक कीपिंग के बारे में जरा बात करें तो आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, हमने अभी जस्ट पढ़ा। पहले हम बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच के ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसी को लेकर हम चलते हैं। लेकिन वो ट्रांजेक्शन जिस ट्रांजेक्शन की क्या मेजरमेंट मनी में की जाए, तो सेकंड क्या है बेटा, मेजरिंग ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी।
जब ये कर लिए तो हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और बुक्स में रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करेंगे इन द लेजर, यानी इंडिविजुअली डाटा बाई डाटा मेंटेन करते चले जाए। नेक्स्ट है बेटा आपका अकाउंटिंग। अब जब लेजर बना लिया तो उससे हम समराइज करेंगे, समराइज इन द सेंस कि हम एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट बनाने का मोटिव ये है कि हमारे बिजनेस में इनकम और लॉस का क्या स्टेटस है, तो ऑलवेज हम प्रॉफिट का स्टेटस जानने की कोशिश करते हैं, और बैलेंस शीट यानी हमारी पोजीशंस क्या है। देन जब समराइज कर लिया तो एनालाइजिंग द समराइज रिजल्ट। अब बेटा हमारा मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर का अगर समराइज किया हुआ डाटा है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हम बार बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे हैं, इसका दो पार्ट, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट, एक से अधिक अकाउंटिंग पीरियड का है, तो हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, यानी रिजल्ट निकालते हैं कि हमारी बिजनेस कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में जा रहा है कि हमारी बिजनेस लॉस में जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं ना है कि प्रॉफिट ज्यादा हो दिखा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में बट प्रॉफिट हो नहीं रही है। मतलब सर जी, मतलब कि अगेंस्ट में खर्च भी हम ज्यादा कर रहे हैं। एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टी। फिर हम वही आएंगे, हमारा इंटरेस्टेड पार्टी कौन है, एक मेन पार्टी ऑनर और एक अदर्स। अदर्स में बहुत सारे पार्टी आएंगे, बैंकर्स हैं, आपके लेंडर्स हैं और आपके गवर्नमेंट है, बहुत सारे पार्टी जाएंगे। हम इसकी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ करेंगे। जहां अकाउंटिंग एंड हुआ बेटा, अब वहां अकाउंटेंसी शुरू होगा। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब बेटा जी, जहां अकाउंटिंग अकाउंटेंसी ओपन, और ये अकाउंटेंसी जो है आपका लिखा हुआ था इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अब ये कंटिन्यूटी रहेगी आपके चैनल, मतलब इन द सेंस कि जो अकाउंटेंसी है बेटा और अकाउंटिंग सेंसी जो है वो अकाउंटिंग के बाद मेंटेन की गई। और पहली दूसरी बात, हम अपने प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट पर लेकर हम ये अकाउंटेंसी कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर बेटा हम यहीं पर खत्म करेंगे। अगले क्लास में इसी चैप्टर से रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। सभी को गुड नाइट, जय श्री राम, जय भारत।